हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मयंक और आप देख रहे हैं आर्ट एक्सपीरियंस विद यू। तो आज मैं आपसे बात करूंगा शेडिंग के बारे में। आप शेडिंग कैसे करेंगे? द शेडिंग यूज ऑफ मेकिंग मेड विथ आउटलाइन टू सुगेस्ट थ्री डायमेंशनलिटी शेडो और डिग्रीज ऑफ लाइट एंड डार्क इन अ पिक्चर और ड्राइंग। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने एक आउटलाइन ड्रॉ करा, आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद उसमें आपने तीन चीज़ों का यूज़ करना है। पहला डार्क का, दूसरा लाइट का, तीसरा शैडो का। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना क्या है? शेडिंग है। तो सबसे पहले शेडिंग की मैंने लाइट, डार्क एंड शैडो पर वीडियो पहले ही बना दी है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पर दे देता हूँ। तो ये फर्स्ट टॉपिक पर बात करता हूँ, पेंसिल प्रेशर एंड प्रेशर कंट्रोल। तो आपने क्या यूज़ करना है कि इस तरीके से शेड करना है, डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क। पहले आपने पूरी तरीके से इसको ऐसे डार्क कर दिया, तो फिर उसके बाद इससे हल्का लाइट, फिर इससे हल्का लाइट, फिर इससे हल्का लाइट, प्रेशर को लाइट करके आपने शेड करना है इस तरीके से। यानी कितना लाइट आप जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपने अपने प्रेशर को इस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये लाइट टू डार्क है, तो आप इस तरीके से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बुक या कॉपी ले करके उसमें आप इस तरीके से ड्रॉ करके आप अपने पेंसिल प्रेशर को कंट्रोल करके एंड लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट आप शेड करें ऐसे, एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को देखें, एंड आपकी जो शेडिंग है और शेडिंग में जो प्रेशर है आपका वो ठीक रहेगा और डिफरेंट वैल्यूज़ बनेंगी उससे। तो अब है इसमें लाइट को समझना। तो लाइट को आप कैसे समझेंगे? जैसे जैसे लाइट आपकी चेंज होगी, लाइट अलग अलग जगहों से पड़ेगी आपके ऑब्जेक्ट पर, तो वो उसकी शेडो है और ब्राइटर एरिया है एंड डार्कर एरिया है, वो सब क्या होंगे? चेंज होंगे। जैसे कि आप इस उसमें देख रहे हैं, उसमें इसकी लाइटर एरिया, ब्राइटर एरिया सब चेंज हो रहा है जैसे जैसे लाइट आपकी चेंज हो रही है। एंड लाइट, डार्क एंड शेडो को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से लाइट, डार्क एंड शेडो के बारे में बात की है। तो अब बात आती है फ्रेंड्स लेयर ऑफ वैल्यूज़ की। तो आपको बिल्कुल लेयर बाय लेयर शेडिंग करना चाहिए। जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो कितने 6-7 लेयर्स जब लगाई हैं तब उसमें अच्छी से एक शेड का एप्पल दिख रहा है, शेड बना करके एप्पल दिख रहा है। और वैसे ही इस फेस में भी है, इसमें भी देखो कितने लेयर्स दिख रहे हैं, पहले लाइट, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर सबसे डार्क जो हेयर्स हैं वो दिख रहे हैं। और नेक्स्ट ये है बॉटल में भी देखिए, सबसे हाईलाइटेड एरिया, फिर उससे कम, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, सबसे डार्क एरियाज दिख रहे हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है, कई बिगनर्स को देखा है कि वो एक या दो शेडिंग करके ही वो पूरा अपना स्केच ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको, तो इस तरीके से आपने वैल्यू की लेयर टू लेयर शेडिंग करनी है, एक लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, ऐसे करके उसकी लेयर्स लगानी है, तब आपका स्केच जो है रियलिस्टिक लगेगा। तो आइए हम एक बॉल ड्राइंग करते हैं। तो बॉल को बनाऊंगा मैं, इसमें पहले इसके 2D फॉर्म बनाऊंगा, फिर इसको 3D फॉर्म में आपको दिखाऊंगा लाइट, डार्क एंड शेडो का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स इसकी आउटलाइन बना के इसको बनाते हैं, इसका 2D फॉर्म, एंड फिर उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, तीन चीज़ें करनी है। पहला लाइटर एरिया दिखाना है आपने, दूसरा डार्कर एरिया एंड तीसरा शेडो एरिया। तो इन चीज़ों की मिक्सर को करके शेडिंग करना है हमने, तो ये क्या हो जाएगी, 3D फॉर्म हो जाएगी। तो मान लीजिए लाइट आ रही है यहाँ से, तो ब्राइटर एरिया किधर होगा, यहाँ पर को होगा, ये एरिया पे होगा, है ना। एंड डार्क एरिया किस साइड होगा, नीचे की ओर को होगा। तो ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, इससे पूरा नीचे की ओर को क्या होगा, पूरा डार्क एरिया होगा, एंड ऊपर को होगा आपका ब्राइट एरिया। तो हमने डार्क एंड ब्राइट एरिया को देख लिया है। एंड अब जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही है वो एरियाज कौन से हैं, तो सबसे पहले ये नीचे वाला एरियाज है,
जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही है तो वहाँ को पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। एंड उसके लेफ्ट साइड को जो है वहाँ को भी बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही है तो वहाँ को भी क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। लाइट एंड डार्क तो पता लगा लिया है हमने, तो अब क्या लगाना है हमने पता, शेडो एरिया। तो ऊपर से लाइट पड़ रही है ना, तो नीचे की ओर को क्या होगा, शेडो एरिया होगा। तो नीचे की ओर को मैं शेडो एरिया बना देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये क्या है, शेडो एरिया है। और तो ये सब चीज़ें मैंने हमने ढूंढ लिया है, शेडो एंड डार्क एंड लाइट एरिया। एंड तो देखिए लेयरिंग का यूज़ करके मैं डिफरेंट वैल्यूज़ भी इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर देते हैं। तो मैंने एक हाईलाइट का पॉइंट बना दिया है यहाँ पे, उनको इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो अब हमारा हो चुका है सभी चीज़। तो अब बात आती है लेयरिंग की। तो बिना लेयरिंग के आपका जो स्केच जो है वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो इसमें हम अब लेयरिंग करेंगे। तो लेयरिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कितने वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं उसमें, कितनी लेयर करके उसकी कितनी वैल्यूज़ ऐड करेंगे कि वो रियलिस्टिक लगे। आप जितना अच्छी तरीके से लेयरिंग करेंगे उसमें, उतनी अच्छी तरीके से आपका स्केच रियलिस्टिक एंड अच्छा लगेगा। अब मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ वरना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए तो देखिए रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जितनी ज़्यादा उसमें लेयर ऐड करेंगे आपका स्केच उतना ही अच्छा दिखेगा और अच्छा निखर के आएगा। एंड लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है आपने। जैसे देखिए इसमें अभी कर रहा हूँ मैं लेयर बाय लेयर, एंड आपने इस तरीके से ही शेड करना है। डार्कर को और डार्कर, जितना ब्राइटर को और ब्राइटर दिखा सकते हैं उतना दिखाएँ, एंड पेंसिल की मदद से आप उसे मर्ज करें। तो देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसमें जो सबसे नीचे का डार्क, तो ये सबसे नीचे वाला आपका शेडो एरिया है, और ये जो है डार्क एरियाज है, ये ऊपर तक का पूरा डार्क एरिया है, एंड ये मिड टोन है, एंड ये हाईलाइट है। तो इसमें आपको सभी टोन्स दिख रही होंगी, लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन। एंड फिर हमने इसको 2D से 3D फॉर्म में इन सब चीज़ों का यूज़ करके बनाया है। तो इसमें जो नीचे की ओर से जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो उसकी सतह से जो लाइट पड़ रही है वो है। तो इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट भी दो साइड से पड़ रही है, एक राइट साइड भी पड़ रही है नीचे की ओर से, एंड एक लेफ़्ट साइड में भी पड़ रही है। तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर को लेफ्ट साइड में, तो दो जगहों पे रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रही है इसमें।